नमस्कार, आप देख रहे हैं संसार क्रांति न्यूज़। मैं हूं आपके साथ डिंपल राणा। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के जिले सहारनपुर की, तो सहारनपुर की सभी 7 सीटों पर भारी मतदान ने सियासी दलों की नींद उड़ा दी है। मतदान के ट्रेंड से संकेत मिलते हैं कि अभी 7 सीटों पर भाजपा और सपा के बीच घमासान रहा। कुछ सीटों पर अगर हम बात करें तो बसपा के हाथी ने समीकरण बिगाड़ने की भी कोशिश की है, लेकिन बाकी अन्य छोटे दलों की अगर बात करें तो वहाँ पर दाल गलती नज़र नहीं आ रही है। सहारनपुर में सत्ता संग्राम में भागीदारी कर रहे मतदाताओं ने भारी मतदान देकर सबको चौंका दिया है। 10 मार्च को चौंकाने वाले नतीजे भी सामने आ सकते हैं। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों का गणित इस बार काफी दिलचस्प था, काफी अलग था। अगर हम बात करें चुनाव की, तो चुनाव से पहले ही पाला बदलने की जो राजनीति है वो शुरू हो गई थी। इमरान मसूद ने कांग्रेस को अलविदा कहकर सपा का दामन थाम लिया। दल बदलने वाले वह अकेले नहीं थे, प्रदेश सरकार में भी आयुष मंत्री रहे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी भी भाजपा छोड़कर सपा में आ गए। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस छोड़कर सिटिंग विधायक नरेश सैनी ने भाजपा का दामन थाम लिया था। इसी तरह अगर हम बात करें बसपा की, तो बसपा को छोड़कर पूर्व विधायक जगपाल सिंह ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। अगर हम बात करें नकुड़ की, तो नकुड़ में भी सपा को छोड़कर साहिल खान ने बसपा का दामन थाम लिया। उधर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने सपा से हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। यानी अधिकांश सीटों पर दल बदल ज्यादा हावी रहा। देवबंद में इस बार भारी मतदान रहा। मतदान में ऐसा लगा मानो यह फैक्टर कहीं है ही नहीं। अगर हम बात करें हमारी टीम की, तो सहारनपुर सीटों को हमने पूरा पड़ताल की है। 7 सीटों पर मतदान केंद्रों के बाहर भीड़ जमा थी, कतारें ही कतारें थी। देवबंद के हर मतदान केंद्र के बाहर आलम ही अलग था। कंधे पर बैग टांगे ऐसे बच्चे मिले जिन्होंने मतदान किया। देवबंद की सीट पर इस बार बदली बदली हवा थी। आपको बता दें, पिछली बार इस सीट पर भाजपा के बृजेश सिंह चुनाव जीते थे। इस बार अगर हम बात करें, तो इस बार पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राणा के पुत्र कार्तिकेय राणा ने उनको कड़ी टक्कर दी और उनको एक कड़ी टक्कर मिल रही है। बसपा से राजेंद्र चौधरी है। देवबंद के जानकार कहते हैं कि बसपा से कुछ समीकरण बदल भी सकते हैं। नकुड़ में भी इस बार कांटे की टक्कर हुई है, क्योंकि अगर हम बात करें सहारनपुर के नकुड़ की विधानसभा सीट की, तो प्रदेश की राजनीति में नकुड़ की सीट डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के कारण हॉट है। धर्म सिंह सैनी 4 बार के विधायक भी रह चुके हैं। 3 बार वह बसपा से विधायक रहे, 1 बार वह भाजपा से विधायक रहे, इस बार वह सपा से प्रत्याशी है। स्वामी प्रसाद मौर्य से उनके घनिष्ठ संबंध भी रहे हैं। इस सीट पर रिकॉर्ड मतदान हुआ, 76% मतदान करके वोटरों ने झोली भर दिए। अब किसकी भरी है यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। इस सीट पर सैनी के मुकाबले बसपा के साहिल खान और भाजपा से मुकेश चौधरी प्रत्याशी रहे। यहाँ भी एक कांटे की टक्कर रही। अगर हम बात करें बेहट सीट की, बेहट प्रदेश की सीट नंबर 1 है। यहाँ नरेश सैनी भाजपा, उमर अली खान सपा और रईस मलिक बसपा के बीच मुकाबला माना जा रहा है। मुख्य टक्कर भाजपा और सपा के बीच की थी। भाजपा की पिछली लहर में बेहट की सीट कांग्रेस ने निकाली थी। आपको बता दें, भाजपा की लहर में सहारनपुर नगर की सीट संजय गर्ग ने जीती थी। इस बार उनके सामने थोड़ी परेशानी है। भाजपा से राजीव गुंबर और बसपा से मनीष अरोड़ा के साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी सुखविंदर कौर भी मुकाबले में थे। शहर की सीट पर बाकी सीटों का गणित नहीं चलता, इसलिए शहर की सीट पर तमाम मुद्दे भी हावी हैं। आपको बता दें, इस बार मायावती की सीट पर भी बड़ा मुकाबला हुआ है। सहारनपुर देहात की सीट पहले हरोड़ा के नाम से जानी जाती थी, इस सीट से जीतकर बसपा प्रमुख मायावती 2 बार मुख्यमंत्री भी बनी। यानी कि जो मायावती मुख्यमंत्री बनी थी पहली बार उत्तर प्रदेश की, वो इसी सीट से 2 बार मुख्यमंत्री बनी। इस बार समीकरण बदले हुए, किसी वक्त मायावती के खास रहे जगपाल सिंह इस बार भाजपा से प्रत्याशी रहे। उनके मुकाबले सपा से आशु मलिक और बसपा से अजब सिंह मैदान में रहे। यह मुकाबला तिकोना नजर आया। हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग हमने पाया, रामपुर मनिहारन की सीट इस बार जो है वो फंसी हुई है। रामपुर मनिहारन की सुरक्षित सीट भी इस बार फंसी हुई नजर आई। भाजपा से वर्तमान विधायक देवेंद्र निम फिर दावेदार हैं। वह अपनी जीत का आंकड़ा भी गिनाते हैं। वह पिछली बार सबसे कम अंतर से चुनाव भी जीते थे। इस बार वह रिकॉर्ड जीत का दावा भी करते हैं।
अगर हम बात करें रालोद की यानी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की, यहाँ विवेक कांत और बसपा से रविंदर मोलू प्रत्याशी है। मतदान के ट्रेन में यह सीट भी भाजपा सपा बसपा के तिकोने संघर्ष में फंसी दिख रही है। एक और दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं, गंगो में दो परिवारों में मुकाबला यानी कि जो चुनाव है उसमें दो परिवारों में भी मुकाबला हुआ। सहारनपुर की राजनीति में चौधरी यशपाल सिंह और काजी रशीद मसूद का परिवार विशेष अहमियत रखता है। काजी रशीद मसूद के परिवार में नुमान मसूद बसपा से दावेदार हैं, उनको लेकर भी टिकटों की खूब उठापटक हुई है। आपको बता दें चौधरी यशपाल सिंह के पुत्र इंद्र सेन सपा और कीरत सिंह भाजपा से प्रत्याशी हैं। इन तीनों में ही आपको बता दें एक बहुत बड़ी कांटे की टक्कर है। आपको बता दें कि 2017 के नतीजे भी बेहद ही चौंकाने वाले थे। अगर हम बात करें विगत विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों के अंतर से जीत गंगो में हुई थी, यानी कि सबसे कम अंतर से जीत जो हुई थी वो रामपुर मनिहारन में देवेंद्र नीम की थी जो कि सैकड़ों में थी। नकुड़ और सहारनपुर नगर की सीट पर भी घमासान के कारण जीत का अंतर कम था। इस बार कम अंतर से जीत वाली सभी सीटों पर कड़ा संघर्ष भी देखने